जब भी उनको खेल शुरू करते हैं, कोई खेल खेलते हैं, तो आपको पता है कि उस खेल के कुछ कानून होते हैं जिनकी पाबंदी करना जरूरी होता है। अगर आप फुटबॉल खेलते हुए हाथ से पकड़ के बॉल को नेट में फेंके तो वो गोल होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि वो फाउल होगा। अगर आप हॉकी खेल रहे हैं तो अगर आपके पॉकेट में बॉल लग जाएगी तो क्या होगा, फाउल होगा। ठीक है, अगर आप क्रिकेट खेलते हुए आप आउट हो जाते हैं तो आप ये नहीं कह सकते मैं दोबारा खेल लें, आपकी बारी खत्म होगी। तो ये गेम्स के रूल्स होते हैं, इसी वजह से वो गेम खेली जाती है। ठीक है, अगर रूल्स को हम गेम में से निकाल दें, खत्म कर दें, तो हम वो खेल नहीं खेल सकते, सही तरह से नहीं खेल सकते। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो गेम है, हमारा जो खेल है, इसके भी कुछ कवानीन होंगे, रूल्स होंगे, जिनको आपने सख्ती से उसकी पाबंदी करते होंगे, तभी आप वो गेम कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो उसूल है वो ये है कि आप जब भी गेम के लिए एंटर होते हैं तो आप अपने सीनियर को सलाम करते हैं, जैसे हम आम बाहर जाके लोगों को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। तो जो मार्शल आर्ट्स वाले का सलाम होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि जापान वालों ने हमें ये सिखाया है। तो जापान वाले जो सलाम करते हैं वैसे यूँ झुक के यूँ करते हैं, तो इसको बाव करना कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया कि आपने जब आप क्लब में आते हैं तो आपके जो भी टीचर है, जो भी सीनियर है, उनको बाव करते हैं, सबको सलाम। ठीक है, बाव करने का तरीका ये होगा कि आपने दोनों हाथ अब यहाँ हाइट को रखेंगे, हल्का सा झुकेंगे और फिर खड़े हो जाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि जिसको आप बाव कर रहे होंगे उसको देख भी रहे होंगे, आई कॉन्टैक्ट होगा। अगर मैं इनको बाव कर रहा हूँ तो मैं इनको देख भी रहूंगा, अगर मैं मुंह करूंगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको बाव करना है उसको देखना भी, आप भी बैठ जाओ। ठीक है, तो बाव करना पहला रूल हो गया हमारा। ठीक है, उसका तरीका क्या मैंने बताया, दोनों हाथ यहाँ रख के साथ झुकेंगे फिर सीधे होंगे। लेकिन ख्याल रखना है कि जिसको आप बाव कर रहे हैं उसको देख भी रहे, ठीक है, उसको देखते हुए। अच्छा, इसी तरह जब आप प्रैक्टिस के लिए खड़े होते हैं तो खड़े होने का एक खास स्टाइल है जिसमें हम खड़े होते हैं। ठीक है, वो स्टाइल यूं है कि आप दोनों एड़ियां जोड़ेंगे, जिसम सीधा होगा, हाथ दोनों यहाँ कैसे। आप जब भी गेम के दौरान खड़े होंगे क्लब में, किसी और तरीके से, ऐसे करके, किसी और स्टाइल से नहीं खड़े हो सकते, आप सिर्फ इजी पोजीशन में खड़े होंगे। इसको क्या कहते हैं, इजी पोजीशन, जिसमें आपकी एड़ियां जुड़ी होती हैं, जिसमें बिल्कुल सीधा होता है और हाथ आपके दोनों यहाँ। आप चाहे रेस्ट करने के लिए खड़े हों क्लास के दौरान, या सीनियर की बात सुनने के लिए खड़े हों, अदरवाइज हम खड़े तो नहीं होते, हम तो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, लेकिन कभी ब्रेक लेते हैं थोड़ी देर के लिए, खड़े होते हैं रेस्ट करने के लिए, या आपको सीनियर बात कर उसको सुनने के लिए, तो आप इस पोजिशन में खड़े होते हैं। इस पोजिशन को कहते हैं ईजी पोजिशन। तो पहला असूल हो गया बाव करना, दूसरा असूल क्या हो गया, ईजी खड़े होना, और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप गेम के दौरान आपको बैठना पड़ जाए तो भी एक खास अंदाज से बैठते हैं। वो क्या अंदाज है कि आप अपना राइट वाला जो पाँव है उसको उठा के यूँ रखते हैं क्रॉस में ऐसे, और यूँ बैठ जाते हैं ऐसे, लेकिन आपकी कमर में खाम नहीं, ऐसे नहीं बैठना, आपने इस तरह बैठना, अपनी छाती बाहर निकाल के कमर अंदर कर, अलर्ट हो, ये सुस्त हो, ये अलर्ट हो, आप चाहे रेस्ट कर रहे हैं लेकिन आप अलर्ट। ठीक है, तो आपने बिल्कुल आराम से बैठना है, रिलैक्स हो के, लेकिन आपकी कमर जो है ये सीधी होनी चाहिए, और आपकी जो दोनों कलाइयाँ हैं रिस्ट, ये आपके घुटने के ऊपर इस तरह होगी, और आपके ये दोनों हाथ जो जिससे सीओ बनता है, ये दोनों फिंगर जैसे, ये योगा का पोस्चर भी है। ठीक है, योगा का एक पोस्चर भी है, इस पोस्चर में आपने बैठना है, ये जो एल्बो है ये अंदर की तरफ, ये इस तरह नहीं होगी अंदर की तरफ, किसी बैठ। ठीक है, तो तीसरा असूल हो गया बैठने का, ठीक है। अच्छा, अब आप बैठे हुए और आपको दोबारा खड़े होंगे तो भी खास स्टाइल से खड़े होंगे, आप क्या करेंगे, दोनों हाथ जोर से जमीन पर मारेंगे और खड़े हो जाएंगे। ये वही पाँव जो आपने उठाया था राइट वाला, उसको यहाँ ले आएंगे, लेफ्ट वाला पाँव अपनी जगह पर रहेगा और दोबारा आप खड़े होंगे। ठीक है, ये हमारा पहला लेसन है। ठीक है, क्या लेसन है, आप आए, आप खड़े हुए इसी, आपने बाव किया, आप दोबारा इसी हुए, उसके बाद आप बैठ गए, बैठने के बाद आपने अपनी पोजीशन चेक की कि मेरी कमर सीधी है, मेरे हाथ दोनों यहाँ पे हैं, ओके, मेरी पोजीशन अगर सही है, फिर मैं खड़ा हूँ। सो आप उसी पर आपको गेट अप का कौशल देगा या आप उससे, तो आपने दोनों हाथ जमीन पे मारे, कितने जोर से कि आवाज पैदा हो ऐसे। ठीक है, इस तरह नहीं, थोड़ी सी आवाज आई। ठीक है, ये किया, राइट वाला पाँव उठा के यहाँ रख के दोबारा इसी,
संगीत ठीक है तो हम सब अभी प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ पहले आप करेंगे उसके बाद फिर हम इंडिविजुअल करेंगे खड़े हो जाएं आप यहाँ लेकिन मैंने कहा था जो बाव करेंगे तो देखेंगे जिसको आप बाव कर रहे हो अगेन और इजी हो जाओ इजी सिट डाउन राइट वाला पाव उठा के रखना है अपने उसी चेक करें कमर सब की सीधी है गुड हाथ का जो सर्कल बना हुआ है योगा पोजीशन बिल्कुल ठीक आप खड़े होने गेट अप दोबारा इसी पोजीशन में उसी तरह एड़ियां जुड़ी होंगी और आगे इस तरह खुले होंगे ऐसे बी शेप में और जिसम बिल्कुल खुला होगा बाव इजी सिट डाउन राइट वाला पाव यू रखा चेक करो अपने पोजीशन कमर साहब की सीधी है दैट्स गुड गेट अप इजी गुड ये हमारा पहला लेसन था अभी आप लोगों ने खुद से 10 टाइम्स करना है Thank you.